का मोहल्ला। सुबह रामनगर कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर रह रहे युवकों के साथ एक युवती को देखकर इस कॉलोनी का माहौल बिगड़ गया। कॉलोनी के नागरिकों का आरोप है कि किराएदार युवक कमरे में युवती के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहे थे। इस बारे में जैसे ही कॉलोनी में पता चला, मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई। इधर किराएदार युवकों ने भी फोन आदि पर सूचना देकर अपने परिचितों को वहां बुला लिया, जिससे दोनों पक्षों में नोकझोंक हाथापाई हुई। देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। इस पथराव में किराएदार युवकों की कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही एनबी थाना प्रभारी देवेंद्र प्रताप फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। पुलिस ने किराए पर रह रहे चारों युवकों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। एक लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ का मामला सामने आया, ऊपर करो, जिसके साथ कोई जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहा था, जिसके चलते लड़की के सहायता मांगने पर लोकल जो मोहल्लेवासी थे उन्होंने उसमें सहयोग किया। इस पर जो है जो लड़का जो साथ में था वो और उसके मित्रों ने मिलकर वहाँ पर हंगामा किया, मोहल्लेवासियों के साथ में थोड़ी सी मारपीट की, जिससे जो है माहौल ख़राब हुआ। लड़की ने मौके पर इस संबंध में रिपोर्ट दी, जिस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया और जो आरोपी है उस आरोपी को लड़की के बयान 164 के बयान होने के पश्चात नियमानुसार अगर उसके विरुद्ध बयान जाते हैं तो नियमानुसार उसको गिरफ्तार किया जाएगा। मौके पर जो बदमाशी करने वाले लड़के थे जिन्होंने मारपीट की उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल मौके पर शांति। कितने लोगों को गिरफ्तार? करीब 4 से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के अलवर में हथियार की नोक पर लाखों की लूट। दिल्ली बाया भिवाड़ी अलवर हाईवे सड़क मार्ग पर पुलिस का नहीं बदमाशों का राज चलता है। शाम ढलते ही लूट और अन्य आपराधिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। मंगलवार की रात को भी तिजारा थाना क्षेत्र के पास इस सड़क मार्ग पर भिंड के पास हथियारबंद बदमाशों ने शादी के लिए दिल्ली से खरीदारी कर अलवर आ रहे एक व्यापारी परिवार को लूट लिया। बदमाशों ने पहले फायर कर दहशत का माहौल बनाया, फिर परिवार के सदस्यों की कनपट्टी पर पिस्तौल रख दी। वे 100 ग्राम सोना, एक जैकेट, हाथ घड़ी व जूते, मोबाइल फोन लूट कर ले गए। बदमाशों ने लूट को एक फिल्मी अंदाज की तरह अंजाम दिया। अलवर से चंद्रमोहन गुप्ता की रिपोर्ट।